हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है काइज़न इनोवेशन यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि गूगल पे ऐप की मदद से आप ट्रेन का टिकट कैसे बुकिंग कर सकते हो ऑनलाइन, वो भी एकदम इजीएस्ट वे में। उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि गूगल पे ऐप आपके मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस ऐप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का नया ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको आपकी जो गूगल पे ऐप है उसको कर देना है ओपन। तो जैसे आप ओपन करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। दोस्तों, यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक आ रहा है वहाँ पे नाम और एक आईडी आ रहा है, यूआईडी, वो मैंने हाइड किया हुआ है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक न्यू कलर का एक इस तरह का आइकन होगा, उस पर आपको करना है क्लिक। जैसे वहाँ पे आप क्लिक करोगे एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वहाँ पे सर्च फॉर पीपल और बिजनेस, यहाँ पे आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, ट्रेन्स। इस तरह से आप सर्च करोगे तो यहाँ पे इस तरह का आइकन वाला एक ट्रेन्स आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप ऊपर ट्रेन्स लिख के सर्च करते हैं, अगर यहाँ पे कुछ भी आता नहीं है तो आपकी जो ऐप है उसको आप एक बार अपडेट कर दीजिएगा, तब ये अपडेट आपके मोबाइल में आ जाएगी और ये ट्रेन का आइकन भी आपकी गूगल पे ऐप के अंदर आने लगेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे क्लिक। जैसे हम यहाँ पे करेंगे क्लिक, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। बुक ट्रेन टिकट, वहाँ पे करना है आपको क्लिक। जैसे ही वहाँ पे आप करोगे क्लिक, इस तरह का एक सर्च फॉर ट्रेन का यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे और फाइंड योर रूट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सोर्स, आप कहाँ से और कहाँ तक जाने वाले हैं उसके बारे में डिटेल डालनी है। तो यहाँ पे ओरिजन, मतलब आप कहाँ से आपको बैठना है ट्रेन में। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सूरत लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैंने अहमदाबाद करके सर्च किया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, अहमदाबाद ऑल स्टेशन एडीआई, अहमदाबाद जंक्शन और अहमदाबाद एमजी, कोई कोई दूसरा होगा। तो मैं अहमदाबाद ऑल स्टेशन ले लेता हूँ, तो वहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लिक। जैसे मैं क्लिक करूँगा, मेरा डिसाइड हो गया कि मैं कहाँ से ट्रेन को पकड़ूँगा। अब डेस्टिनेशन पे, तो डेस्टिनेशन पे आप क्लिक करना है और वहाँ पे आपको जहाँ पे जाना है, आबू रोड जाना है, जयपुर जाना है, राजस्थान जाना है, दिल्ली जाना है, हरियाणा जाना है, जहाँ पे भी आपको जाना है वो स्टेशन का नाम लिखना है। मैंने सिंपल आबू रोड लिया हुआ है और स्टेशन पे यहाँ पे मैं कर दूंगा क्लिक। यहाँ पे डिपार्चर डेट, आपको कौन सी डेट को वो ट्रैवलिंग करना है। तो अभी फेब 25 है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एक मंथ पीछे ले जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं 25 मार्च 25 को मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पे कोटा आता है, आपको कौन सी कैटेगरी, कौन से कोटा में आपको ट्रैवलिंग करना है। यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए दो अवेलेबल है, एक जनरल और लेडीज़। हम जनरल पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल्टर होके उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेन अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिक आने लगेगी। आप थोड़ा और स्क्रोलिंग करोगे तो इस तरह से आ जाएगा, रनकपुर है, एमएस जोधपुर एक्सप्रेस है। तो मैं ये फर्स्ट जो रिजल्ट आया उन दोनों पे मैं कर देता हूँ चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक। तो दोस्तों, हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे अवेलेबल है थर्ड एसी में और यहाँ पे एसएल में अवेलेबल है 7। तो थर्ड एसी का प्राइस 495 है, ये कुछ कॉस्टली ज़्यादा हो जाएगा सॉरी। तो मैं एसएल में स्लीपर में चला जाता हूँ 170 में। तो आपको करना है दोस्तों, क्या आपको यहाँ पे नहीं करना है जहाँ पे अवेलेबल 007 है या फिर अवेलेबल 002, आप उसके सामने जो प्राइस आ रही है उस पर आपको करना है क्लिक। तो यहाँ पे अवेलेबल 007 है, वहाँ पे 170 रुपीज़ है, तो वहाँ पे मैं करूँगा क्लिक। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस तरह का एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पैसेंजर डिटेल है, यहाँ पे बुकिंग योर टिकट, यहाँ पे IRCTC का आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर अकाउंट होगा तो उसका एक यूज़र आईडी आपको याद होना चाहिए, पे फॉर टिकट और एंटर योर IRCTC पासवर्ड। इसकी अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे IRCTC यूज़र आईडी हमको यहाँ पे डालना रहेगा, तो मैं फ़िलहाल के लिए अभी डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना डाल दिया है आईडी। उसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो मैंने यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे क्लिक करके ये बॉक्स ओपन हो जाता है। मैंने टेम्पररी नाम डाल दिया, राहुल, एज, जेंडर और बर्थ प्रेफरेंस लोअर। दोस्तों, आपको यहाँ पे आपके नाम डालना है, आप जो भी बंदा ट्रैवलिंग कर रहा है उसका नाम डालना है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे डेमो दे रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे रैंडम राहुल डाल दिया है। और यहाँ पे एक एड इन्फांट है, इसका मतलब दोस्तों यह होता है कि आपके साथ में कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है जिसकी एज, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे देखते हो बिलो 5 ईयर ऑफ एज, मतलब जिसकी बच्चे की एज 5 या 5 साल से कम है,
उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। अब थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे, वहाँ पे फिर आपका मोबाइल नंबर डालना रहेगा और यहाँ पे प्रेफरेंस पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बोर्डिंग पॉइंट, यहाँ पे आपको बोर्डिंग पॉइंट कौन सा आपको चूज़ करना है वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी रहेगी। बाय डिफ़ॉल्ट अहमदाबाद जंक्शन या कोई भी जो मेन, अगर आपने ऑल स्टेशन यूज़ किया हुआ है तो उसका जो मेन जंक्शन होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है सिलेक्ट हुए। कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन एंड यहाँ पे इंक्लूड ट्रैवल इंश्योरेंस। दोस्तों आप कब भी ट्रैवलिंग कर रहे हो ट्रेन में तो मैं तो यही रिकमेंडेशन करूँगा कि आपको इंश्योरेंस प्लान ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ टिक। इस तरह से हमने कर दिया टिक। हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे GST डिटेल, ये कुछ अलग ही फील्ड है, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। और हम यहाँ पे कंटिन्यू पे कर देंगे क्लिक। तो जैसे हम यहाँ पे कंटिन्यू पे करेंगे क्लिक, इस तरह से ट्रिप डिटेल आ जाएगी, IRCTC यूज़र ID आ जाएगा, पैसेंजर का नाम आ जाएगा, फेयर ब्रेकडाउन, ये इसके हिसाब से इतना अमाउंट हो रहा है, वो सब डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, मैंने थोड़ा स्क्रॉल किया था 170, यहाँ पे कंटिन्यू पे हम जैसे यहाँ पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे 170 रुपीज़ की मैंने एक टिकट बुकिंग किया था, उसका प्राइस 170 का, प्रिपेयर टू पे हो रहा है। अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे आ गया IRCTC बैंक थ्रू प्रोसेस टू पे। यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप यूज़ करते ही होंगे गूगल पे ऐप, तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे 6 डिजिट का पासवर्ड डालना होता है और आपका अकाउंट में से जो आपने इसके अंदर कन्फिगर किया हुआ है जो बैंक अकाउंट, उसमें से पैसा कट हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा और आगे से आप इसी ऐप के यूज़ करके आपके ट्रेन की ट्रैवल टिकट्स बुक करेंगे। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपकी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिएगा, तो उनको भी पता चलेगा कि भाई गूगल पे ऐप से आप इस तरह से ट्रेन की टिकट का बुकिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस टू वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।